अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके लिए हम इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा, आपने बस सारे स्टेप एज इट इज़ फॉलो करने हैं। इसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होगी, उसको हम अपने लैपटॉप की पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे और देन हम विंडो को बूट करवा लेंगे। जैसे ही हम विंडो को बूट करवाएंगे तो हम देन इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके बाद हमको सिंपल नेक्स्ट करना है और रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन खुल के सामने आएगी, देन हमने जाना है ट्रबल शूट में। अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं है तो देन आपने सिंपल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, तो देन आप सेफ मोड में एंटर हो जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपल ट्रबल शूट पर क्लिक करेंगे। ट्रबल शूट पर जाने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद हम CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। जैसे हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो के सामने आ जाएगा, यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोट पैड। ये हमारे पास नोट पैड खुल के सामने आ गया। इसके बाद हमने जाना है फाइल में और ओपन कर लेंगे या कंट्रोल ओ कर लेंगे। इसके बाद हमें दिस PC पे जाना है और अपनी देख लेना कि आपकी विंडो किस ड्राइव में शो हो रही है। इसके बाद आपको विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है System32। इसके बाद आपको यहाँ पे TXT डॉक्यूमेंट्स में ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे ऑल फाइल। इसके बाद हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है SETHC। जैसे हमारे पास ये फाइल SETHC के नेम से आ जाएगी, इसको हम सिंपल रीनेम कर लेंगे। इसको हम कर लेंगे रीनेम। इसके आगे लिख देंगे 1 2 3 4 और ओके कर देंगे। इसके बाद यहीं पे आपको एक और फाइल सर्च करनी है यूटिल मैन। फाइल को भी हम रीनेम कर लेंगे। इसको भी हम सिंपल रीनेम करेंगे, करेंगे 1 2 3 एंड 4 और ओके कर देंगे। इसके बाद हमें अब यहाँ पे सर्च करना है CMD। यहाँ पे CMD को कॉपी करेंगे और इसकी 2 से 3 फाइल पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। और इसके बाद इसको करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए मेरे पास 2-3 कॉपीज होके CMD कमांड प्रॉम्प्ट के आगे। इसके बाद हमें ओरिजिनल फाइल को रीनेम नहीं करना। इसके बाद हमें जो हमने कॉपी की होंगी इसको हम सिंपल रीनेम कर देंगे और इसको कर देंगे SETHC। इसके बाद दूसरी को कर लेंगे, इसको हम कर देंगे UTILMAN और ओके कर देंगे। रिफ्रेश। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, देन हम इसको क्लोज कर देंगे और अपने PC को टर्न ऑफ करके रीस्टार्ट कर लेंगे। देखिए मेरा वो सिस्टम रीस्टार्ट होना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया आ जाएगा, सिंपल आपने यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि इरेज होगा, इसको आपने डबल क्लिक करना। आपके पास इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक कमांड प्रेस करनी है, कंट्रोल पासवर्ड 2, देन आपने सिंपल इसको एंटर, आपने यहाँ पे कमांड एंटर करनी है कंट्रोल यूज़र पासवर्ड 2 और देन हमने सिंपल इसको एंटर कर देना है। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल के सामने आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पे जाना है और यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो आप न्यू पासवर्ड
एंटर करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसको क्लोज करेंगे, देन हम यहाँ पे सिंपल अपना न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए जी मेरे पास मेरा विंडो का पासवर्ड खुलकर सामने आ गया है। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।